हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नए लेसन के साथ में प्रस्तुत हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 6 फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ। फ्यूचर को जो शो करता है वो हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल। सेल और विल। सेल जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट आई और वी के साथ में ही लगानी है। विल जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में लगा सकते हैं आई वी को छोड़कर। इसका फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फॉर ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी, यहाँ से बीन, वी फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस और टाइम, ये वर्ड अवश्य होंगे। क्या? बीन, वी फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस प्लस टाइम। बीन वर्ड प्रेजेंट में भी होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी, बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आप देख रहे हैं बीन वर्ड है। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे वी फॉर है, उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वी फोर है। वहाँ पे आपको फोर सिंस प्लस टाइम भी मिलेगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये वर्ड्स ऑलवेज यूज, बीन, वी फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस प्लस टाइम, जो कि मेरी पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन, वी फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस प्लस टाइम। सेकेंड नंबर का कैसे बना? ये नेगेटिव फॉर्मूला है कि नेगेटिव सेंटेंस इससे बनेंगे। क्या किया आपने? सेल विल के बाद में नॉट लगाया है। सेल विल के बाद में नॉट लगाना है कि पहला जो हेल्पिंग वर्ब है, पहले स्थान का जो हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट नंबर का हेल्पिंग वर्ब सेल विल है पहले स्थान पे, उसी के बाद में नॉट लगाना है। सब्जेक्ट सेल विल, नॉट बाकी का सेम है, have, been, been, V for, object, object, for since और time। तो आपको याद रखना है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाओ, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल है उसी के बाद में नॉट लगाना है। ये नहीं कि हैव के बाद में नॉट नहीं लगाना है या बीन के बाद में नॉट नहीं लगाना है, जो पहली जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद में नॉट लगाना। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे कि जो पहली जो हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, उसी को सब्जेक्ट से पहले स्पीक करो, उसी को सब्जेक्ट से पहले स्पीक करनी है। सेल विल प्लस सब्जेक्ट, नॉट, हैव, बीन, वी फॉर, ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस प्लस टाइम, यानी कि सेल विल को ही सब्जेक्ट से पहले लेके आना है, हैव और बीन को नहीं। पहले स्थान की जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को आप सब्जेक्ट से पहले स्पीक करना है। ओके, थर्ड टू फोर्थ में देखिए, ये जो थर्ड नंबर का है वो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है।
फोर्थ नंबर का केवल इंट्रोगेटिव है, तो आपको क्या करना है, नोट को रिमूव करना है, नोट को हटा देना है। सेल विल, सब्जेक्ट, नोट हटा दो, बाकी का सेम रहेगा, हैव बीन, वी फोर, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस, टाइम। थर्ड टू फिफ्थ में क्या अंतर है, देखिए क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ, कि क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है थर्ड में, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दो, सेल विल, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर किया आपने थर्ड में, बाकी का सेम है वर्ड्स, सेल विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, बीन, वी फोर, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस, टाइम। सिक्स नंबर देखिए, जो कि आप फोर नंबर से बना सकते हो, कौन से फोर नंबर से। क्वेश्चन वर्ड ऐड किया फोर नंबर में, फिर बाकी के जो वर्ड्स हैं सेम है, सेल विल, सब्जेक्ट, हैव, बीन, वी फोर, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस और टाइम, कुछ भी अंतर नहीं है, केवल क्वेश्चन वर्ड ही ऐड करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो रिप्लाई यस और नो में देना है, क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन बनाते हो रिप्लाई सेंटेंस में देना है, वाक्य में देना है, वाक्य छोटा हो या बड़ा वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन वर्ड, बहुत से क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वेयर, विच, होम, व्हाट, वेयर, वाय, बहुत से, जो भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का भाव क्या है। इस प्रकार के जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो फॉर्मूले हैं, इनसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। टाइम अवश्य होगा, उसके लिए फोर सेंस प्लस टाइम यूज कीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उनमें, उनकी पहचान आप कैसे करेंगे, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये वर्ड होंगे, और जो से वर्ड है से, जो से वो टाइम को शो कर रहा है, समय, कि कितने बजे से वह कार्य हो रहा होगा। वह 2 घंटे से खेल रही होगी, 2 घंटे से आ गया, रही होगी, तो हिंदी के सेंटेंस के लिए से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, टाइम अवश्य होगा। अगर टाइम नहीं मिलता है, उस सेंटेंस में टाइम नहीं होता है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, ये केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा। फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार ही सेंटेंस बनाना है, वह खेल रही होगी, वह खेल रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वह 2 बजे से खेल रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोबारा अगेन देखिए, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वह पढ़ रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, वह दो